मौका ईद का हो तो सलमान खान अपने फैंस को एक मसाला फिल्मी तोहफा ईदी के रूप में देते ही हैं। ये सिलसिला इस बार भी बना रहेगा जब शुक्रवार को उनकी फिल्म रेस 3 रिलीज होगी। सलमान खान के लिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बड़ी चुनौती मानी जा रही है। कोरियोग्राफर से निर्देशक बने रेमोर डिसोजा की फिल्म रेस 3 सिड का सबसे बड़ा और एकमात्र आकर्षण होगी क्योंकि कोई दूसरी फिल्म रिलीज नहीं की जा रही है। रेस 3 फुल ऑन एक्शन मसाला है और इस हिट फ्रेंचाइजी की खासियत रही है कि फिल्म में ट्विस्ट और टर्न भी होते हैं, तो वो भी जरूर देखने मिलेंगे। पिछले दिनों फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था, तब 24 घंटे में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा था। सलमान खान अपने फैंस के लिए रेस 3 में वो सब कुछ लेकर आए हैं जो दर्शक चाहते हैं, मसलन स्टंट और खुला बदन। रेस 3 को 3D में भी रिलीज किया जाएगा जो देश की पहली 360 डिग्री विजुअल एक्सपीरियंस वाली फिल्म बताई जा रही है। फिल्म रेस 3 को सेंसर बोर्ड ने कुछ मामूली बदलाव के साथ सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। करीब 140 करोड़ रुपए में बनी रेस 3 को देश भर में 4000 स्क्रीन्स में रिलीज किया जा रहा है और इसके अलावा फिल्म दुनिया के कई देशों में भी रिलीज होगी। ट्रेड पंडितों के मुताबिक रेस 3 को 32 सेकंड 35 करोड़ रुपए की ओपनिंग लग सकती है। हालांकि फिल्म के गानों में अभी तक वो जान नहीं पकड़ी है, नहीं तो कलेक्शन के कुछ ज्यादा होने की उम्मीद हो सकती थी। इस फिल्म को सलमान खान और रमेश तौरानी प्रोड्यूस कर रहे हैं और जानकारी के मुताबिक रेस 3 की 130 करोड़ रुपए की सेटेल ईट राइट्स की डील की गई है। ईद पर सलमान की फिल्मों की ओपनिंग एक था टाइगर 32 करोड़ 93 लाख रुपए किक, 26 करोड़ 40 लाख रुपए बजरंगी भाईजान, 27 करोड़ 25 लाख रुपए सुल्तान, 36 करोड़ 54 लाख रुपए ट्यूबलाइट, 21 करोड़ 15 लाख रुपए। सलमान खान की पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है थी जो ईद के मौके पर नहीं आई थी और इस फिल्म ने पहले दिन 34 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। रेस सीरीज को अब्बास मस्तान ने शुरू किया था और पहले दो भाग बनाए थे। पहली रेस 2008 में थी। एल पहले भाग में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु और कैटरीना कैफ थे। एल दूसरी रेस 2013 में रिलीज हुई थी जिसमें सैफ ने अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन साथ में जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और जैकलीन फर्नांडिस ने जगह बनाई। ईद के मौके पर 15 जून को रिलीज हो रही रेस 3 में सलमान खान, जैकलीन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह, साकिब सलीम और फ्रेडी दारूवाला है। फिल्म में सलमान खान सिकंदर और रोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। जब फिल्म के पोस्टर जारी किए गए तो सलमान खान ने खुद को सेल्फ लेस ओवर सेल्फिश बताया। जैकलीन फर्नांडिस फिल्म में जेसिका के किरदार में है, जो राव पावर किरदार है। फिल्म में बॉबी देओल याश के किरदार में होंगे। मेन मैन पनगरल वैसा ही किरदार निभाएंगे जैसा पहले भाग में अक्षय खन्ना और दूसरे में जॉन अब्राहिम ने निभाया। एल गणेश आचार्य की असिस्टेंट डेजी शाह रेस 3 में संजना के किरदार में होंगी। एल जयवोर में वो सलमान टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। एल हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम सूरज बनकर रेस 3 टीम का हिस्सा होंगे। रेस सीरीज के दोनों भागों में डिटेक्टिव का किरदार अनिल कपूर ने निभाया था। एल इस बार सलमान खान के बॉस की भूमिका में होंगे।